आतंकियों ने इजराइल पर करीब 5000 रॉकेट भी दागे थे। डांस फेस्टिवल चल रहा था और इस डांस फेस्टिवल को आतंकियों ने निशाना बनाया, जहां पर बच्चे थे उनको निशाना बनाया। हमास के सैकड़ों आतंकी इजराइल में उस समय घुस आए थे। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, यानी कि किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा था। सभी को मौत के घाट उतार दिया। आतंकियों ने लोगों के घरों को आग के हवाले तक कर दिया था। घरों के साथ ही रहने वालों को भी जिंदा जला दिया था और डांस फेस्टिवल में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग भी की थी। और मुझे लगता है कि जो भी ये देख रहा है, एक बार फिर से वो तस्वीरें उसकी आंखों के सामने आ रही होंगी कि किस तरीके से सड़क या घर जो जहां मिला उसे गोली मार दी। आतंकियों ने महिलाओं, बच्चियों के साथ रेप भी किया था, यानी कि बर्बरता की, क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई थी आतंकियों की तरफ से। शैलेंद्र सर, में आपके पास मैं आना चाहती हूं। जिस तरीके से उस समय बर्बरता हुई थी, मुझे लगता है कि इसराइल को का हमास को जवाब देना बिल्कुल सही था, क्योंकि हमास ने जो किया उसको यही जवाब देना चाहिए था। अब जिस तरीके से ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, क्या लगता है आपको कि ये बिल्कुल ये जो युद्ध आगे बढ़ रहा है उसको देखकर आप क्या कहते हैं कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है? देखिए, वो स्ट्रैटेजी इसराइल ने तैयार कर रखी है, तो ये 7 अक्टूबर का उस स्ट्रैटेजी में बहुत बड़ा रोल हो सकता है। मुझे 7 अक्टूबर 3 तरह से देखने का तरीका है मेरा अपना। एक है कि आप इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, हो सकता है पैलेस्टीनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, और मैं आपको एक अपना इंडियन पर्सपेक्टिव बताता हूँ। आज इंडिया शुड बी लीडिंग, कि आज ना हम इसराइल की साइड हैं ना पैलेस्टीन की साइड हैं, हम इंसानियत की साइड हैं। और अगर इंसानियत की मौत हुई है तो उसे सभी को मिलकर कंडेम करना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि किबुट्स जो एरिया है जहां पर सबसे ज़्यादा तकरीबन 1200-1300 लोग मारे गए थे, जो फेस्टिवल चल रहा था उसमें 370 लोग मारे गए थे। मेरे को इसमें बहुत बड़ी ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं लगती क्योंकि बर्बरता की एक्चुअली कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन बर्बरता की सारी लिमिट आपने उस दिन इसलिए क्रॉस करी कि आपने लाशों के साथ रेप करा और उसको आपने वीडियो कर पूरी दुनिया में फैलाया। ये है पैलेस्टीन। अगर पैलेस्टीन आपके 40,000 लोग मारे जाते हैं इस रिजल्ट के वजह से, तो आप क्यों नहीं आवाज उठाते कि उस दिन के 1200 लोग जो मारे गए, जो 250 लोग किडनैप किए गए, जिनके साथ आज तक शायद रेप चल रहा होगा, उसको आप क्यों नहीं कंडेम करते? इसराइल क्यों नहीं कंडेम करता कि यस, हमने ये मारे हैं 40,000 पैलेस्टीनियन, बट हमारा एम पैलेस्टीनियन मारने का नहीं था, हमारा एम हमास का खत्म करने का है। खत्म होगा या नहीं होगा, देखिए आज का दिन इंपॉर्टेंट होना चाहिए पूरी दुनिया में सिर्फ इस बात के लिए कि क्या आप मानवता का एंगल उठा सकते हैं कि नहीं, जो आप नहीं उठा रहे हैं। लेकिन यूके देवनाथ सर, जो आप कह रहे थे कि इसराइल हमला तो करने की तैयारी कर रहा है ईरान पर, कब करेगा और जो भी माहौल है, चूंकि ईरान भी अलर्ट मोड पर आ गया है, तो इस अलर्ट मोड ईरान पर और जिस तरीके से ईरान की ओर से मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं अपनी डिफेंस को लेकर के, इसराइल की स्ट्रैटेजी क्या होगी, किस तरीके से हमला किया जा सकता है, जो आपका आकलन अब तक का कहता हो? क्योंकि हमला तो होगा, लेकिन हमला ऐसा कब होगा जब ईरान को नुकसान काफी ज्यादा? देखिए, सबसे बड़ी जो दरकार है वो है कि इसराइल की कैबिनेट को डिसाइड करना है, थोड़ा अमेरिका का दबाव है कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करें या नहीं। मेरा ग्रीन सिग्नल का वेट किया जा रहा है अमेरिका की ओर से, ग्रीन सिग्नल का वेट किया जा रहा है अमेरिका की ओर से। ग्रीन सिग्नल नहीं अमेरिका थोड़ा ईरान को समझाने की कोशिश करता है लेकिन अक्सर नाकामयाब हो जाता है। एक टिपिकल अटैक मैं बताता हूं क्या होगा, वो चाहे कल हो चाहे 72 घंटे के बाद हो। टिपिकल अटैक में इसराइल एयरफोर्स के करीबन 16 या 32 फाइटर विमान यूज होंगे, जिसमें कि ज्यादातर F-35 होंगे, F-16 होंगे। रास्ते में इनकी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग होगी, क्योंकि ये जो फाइटर विमान है ये 1800 किलोमीटर जाकर बम गिरा के 1800 किलोमीटर वापस एक बार में नहीं आ सकते, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है कि जब ये मिशन जाएगा तो इजरायली एयरफोर्स के जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हैं वो इनको एस्कॉर्ट करेंगे, और वो ईरान की जो जमीन पर सर्विलेंस रेडार है उनकी रेंज बहुत अच्छी है, रूस से आए हुए हैं वो, 400 किलोमीटर दूर से इसराइल एयरफोर्स के जहाजों को ढूंढ लेंगे। तो उनको जैम करना है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी का काम है। उसके बाद
बिल्कुल सर, बड़ी बात आप बता रहे हैं, आपके पास वापस लौटूंगी। इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं एक बार। इसराइल पर बड़े हमले की तैयारी में है ईरान। ईरान ने 2000 मिसाइलें अलर्ट मोड पर रखी हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए किस तरीके से ईरान ने भी अपनी तैयारी करके रखी हुई है और अलर्ट मोड पर 2000 मिसाइलें भी ईरान ने रखी हुई है। यानी कि इसराइल पर बड़े हमले की तैयारी ईरान भी कर रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और शैलिन सर, आपसे इसी पर रिएक्शन लेना चाहूंगी, यानी कि जो भी होगा बड़ा होगा, चाहे इसराइल की तरफ से, ईरान ने भी अलर्ट मोड पर है इस समय। देखिए, इस समय अगर दोनों कंट्रीज का कंपैरिजन किया जाए तो जो भी होगा बड़ा होगा, उसका इनिशिएटिव इस समय इसराइल के हाथ में है, क्योंकि इसराइल के अटैक के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या ईरान उससे प्रोपोर्शनेट वापस अटैक करता है किसी भी तरह से। ये जो 2000-3000, ये सारा पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, प्रोपोगंडा है कि देखिए मैंने 2500 मिसाइल्स जो हैं बिल्कुल रेडी रखी हुई हैं, आप मेरे ऊपर अटैक करेंगे या नहीं। आपने इससे पहले जो असेसमेंट करने की कोशिश करी कि क्यों नहीं अटैक कर रहा इसराइल, मुझे लगता है कि इसराइल और जो भी ऑर्गेनाइज आर्मीज होती हैं वो एक ऐसा टारगेट ढूंढती हैं जिसमें हम उसे आर्टिलरी में कहते हैं प्रोहिबिटिव लॉस, कि लॉस ऐसा आए ईरान के ऊपर कि उसकी जो इच्छा शक्ति है लड़ाई करने की वो टूट जाए, उसकी इकॉनमी टूट जाए, उसका न्यूक्लियर पावर प्लांट टूट जाए, उसकी जो विल है, जो उसकी इकोनॉमिक सेंटर है, नर्व सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये सारी तोड़ी जाए। और ये इतना आसान काम नहीं होता है। इस सब के लिए आपको ना केवल प्लान करना पड़ता है, वे करना पड़ता है। अगर कल सवेरे आप न्यूक्लियर प्लांट पर धावा कर दीजिए, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी आपके खिलाफ हो जाएगी। और जो इसीलिए सर ये माना दरअसल जा रहा है कि एक साल पूरे हो गए, लेकिन इंतजार है अब इसराइल की ओर से जो पलटवार करने की बारी है उसका। और ये माना दरअसल ये भी जा रहा है कि इसराइल ने तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन ये हमला कब किया जाएगा ये उनकी ओर से इंतजार किया जा रहा है। इसी बीच यहाँ पे रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।